आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, ये जो बेढ़ा का आपको एक रूम जैसा दिख रहा है, ये मेरा मैट्रिकुलेशन का स्कूल है। मैंने यहाँ पे ही अपना मैट्रिक का पढ़ाई किया है। ये हमारा ऑफिस हुआ करता था और यहाँ पे 9 और 10 की क्लासेस थी। इधर पे भी थोड़ा सा था, अभी ब्रेक हो चुका है। ये जगह जो है क्लीन हो चुकी है और बाद में गवर्नमेंट ने पैसा दे के जब हम पास आउट हो गए तो उधर थोड़ा और स्ट्रक्चर बनाया गया है। शुरू में हमने बेढ़ा में ही पढ़ाई किया है, हमें पक्का वाला नहीं मिला था। मेरे साथ वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड दीपक, अभी दीपक सर बोलना पड़ेगा, दीपक सर जो कि हौजाई में पोस्टिंग है, आए हैं मेरे साथ घूमने के लिए। और मेरा भाई, छोटा भाई, बाइक पे बैठा हुआ है। और अब तो बहुत ज़्यादा बन चुका है उधर, फिर आपका उधर भी इसकी नए नए बिल्डिंग्स बन चुके हैं। पहले इतना नहीं था, पहले बहुत कम हुआ करता था। और हाँ, हमारे स्कूल में बहुत ही बड़ा ह्यूज फील्ड, क्रिकेट ग्राउंड बोल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। और यहाँ पे ही हम अपना क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। बहुत बड़ा फील्ड है, मैं आपको स्विच करके दिखा दे सकते हैं। बहुत ही बड़ा फील्ड, मतलब आराम से दो मतलब क्रिकेट मैच हो सकते हैं दो प्लेसेस में अलग अलग, इतना बड़ा फील्ड है। और वहाँ पे जो नई बिल्डिंग बनी है जिसको पूरी तरह से मैं दिखा देता हूँ, नया स्ट्रक्चर बना है। और हम जिसमें पढ़ते थे वो ये रहा, बहुत ही हालत बुरी हो चुकी है। उस टाइम भी ऐसा ही था, बट हाँ सड़ा नहीं था, सब ठीक ठाक था। बट आजकल ये पूरा बंद हो चुका है, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, नया बन चुके हैं। और इसमें ही हम लोग पढ़ते थे। पहले जो दो रूम है ऑफिस हुआ करते थे, यहाँ पे 10 की क्लासेस चलते थे और इधर एक 9 था जो टूट चुका है, और इधर पे भी था 5 6 वगैरह, 6 7 8। और अभी तो बहुत सारे बिल्डिंग बन चुके हैं। ये नेम प्लेट हमारे स्कूल का लग रहा है वही पुराना वाला है, इस नई बिल्डिंग में लगा दिया गया है। और थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया है, सरकार ने कुछ काम किया है ऐसा लग रहा है। सीख रहे हैं लोग, बाइक चलाना आता नहीं है, अभी सीखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे उम्मीद है, अच्छा चला ले रहे हैं। Nice.